नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड व्यक्तित्व परिचय पार्ट 22 कृष्ण वल्लभ सहाय के ऊपर। ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में पढ़ेंगे और इससे मिलता जुलता जितने भी फैक्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। बस अंत तक बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, ये मूल रूप से बिहारी थे दोस्तों। शेखपुरा जिला में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, शेखपुरा जिला, मगर इसका कर्म क्षेत्र जो रहा पूरी तरह से झारखंड रहा, इसीलिए इसको हम लोग झारखंड सिलेबस में पढ़ते हैं। ये झारखंड क्यों आया? इसके पिता का नाम था मुंशी गंगा प्रसाद। ये झारखंड कैसे आ गया उसकी कहानी सुनिए। मुंशी गंगा प्रसाद ये था दारोगा, अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के समय दारोगा था। बाप का पोस्टिंग हजारीबाग में था, इस वजह से हजारीबाग में ही आ गया। वहीं पे पढ़ा, वहीं बड़ा और वहीं बिगड़ा होगा। तो इस पढ़ाई जो हुआ था वो संत कोलंबाई जो हाई एजुकेशन हुआ था, हायर एजुकेशन संत कोलंबाई कॉलेज में। कहाँ है ये कॉलेज? हजारीबाग में। ठीक है, तो इसलिए ये इसका कर्मभूमि झारखंड, बच्चा से ही झारखंड में रहा। ठीक है, पिता के नौकरी के वजह से। तो ये देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हजारीबाग में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा नेता कौन था? कृष्ण वल्लभ सहाय। ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय, देखिए असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, असहयोग आंदोलन इसका पूछेगा हजारीबाग में किसने चलाया था? कृष्ण वल्लभ सहाय। और चतरा बोल देगा, पहले हजारीबाग और चतरा एक ही था, तो चतरा में राम नारायण सिंह। ठीक है, राम नारायण सिंह से भी बड़ा नेता था उस समय कृष्ण वल्लभ सहाय, लेकिन राम नारायण सिंह चतरा एरिया को कवर उधर का मूवमेंट चला रहा था, ये हजारीबाग का। मतलब दोनों तो हजारीबाग में ही था, मगर अब दोनों में बड़ा नेता उस समय के दौरान तो कृष्ण वल्लभ सहाय थे। असहयोग आंदोलन, उसके बाद नमक आंदोलन झारखंड में किसने चलाई, हजारीबाग में किसने चलाया? तो फट से कृष्ण वल्लभ सहाय। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया हजारीबाग में? कृष्ण वल्लभ सहाय। भारत छोड़ो मूवमेंट किसने चलाया? तो कृष्ण वल्लभ सहाय ने। ठीक है, तो चार बड़े बड़े मूवमेंट चलाया था, प्लस एक और मूवमेंट किसान आंदोलन। ठीक है, ये किसान आंदोलन जो चलाया था दोस्तों, किसानों की स्थिति सुधार के लिए, स्वामी सहजानंद बहुत फेमस होगा, एक महाराज थे स्वामी सहजानंद ने चलाया था, बहुत फेमस नाम था उस जमाने में सहजानंद। तो उस जो स्वामी सहजानंद ने जो किसान आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में ये बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन जाता है। तो इस चार आंदोलन जो इस आंदोलन के दौरान वो ये भी चार बार जेल गए। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये आपको मतलब सिंपली याद हो जाएगा कि हजारीबाग से कौन नेता है। और भी बहुत नेता आए थे, लेकिन सबका हेड यही था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या होता है? देखिए, जब चार बार जेल गए, तो एक बार जो जेल गया था वो वाला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि उस जेल में लोग भाग गए थे, जेल तोड़ के भाग गए थे, तो इसलिए वो वाला का जिक्र ज़रूरी है। ये भारत छोड़ो मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, झारखंड के क्या पूरे इंडिया के जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे भारत छोड़ो मूवमेंट एकदम ग्रासरूट लेवल से शुरू होने वाला था, गांव-गांव के लोग आंदोलन के लिए निकलने वाले थे, इस तरह का प्लानिंग था कांग्रेस के नेताओं में। तो अंग्रेज़ों को ये भनक लग गई, तो उन्होंने चाल खेल दिया कि जब नेता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन कैसे होगा कल। तो आज ही को सारे नेताओं को उठा लिया गया, हर एरिया के, अगर आप झारखंड के जिस भी जिला के होंगे ना, उस जिला के सबसे बड़े नेता को उठा लिया गया होगा उस जमाने में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। तो उसमें से हजारीबाग का जो बड़ा नेता थे उन लोगों को भी उठाया गया। तो उस समय बिहार का जो सबसे बड़ा नेता था, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हुए, श्री कृष्ण सिंह हो गए, उसके बाद जयप्रकाश नारायण हो गए, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो
हजारीबाग के भी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया होगा। तो जैसे जयप्रकाश नारायण को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कहाँ के जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी हुई थी, तो हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में किसको किसको गिरफ्तार करके रखा गया था ये सब देख लीजिए। ठीक है, एक जेपी जयप्रकाश नारायण, दूसरा था रामनंदन मिश्रा, नंदन मिश्र, जयप्रकाश नारायण, इसे आपको याद हो जाएगा क्या, सूरज नारायण, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह। ठीक है, गुलाबी सोनार, गुलाबी सोनार, सालीग्राम सिंह, सालीग्राम सिंह, योगेंद्र शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, उधर राम नारायण सिंह, जिसका मैं राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह और इसके भाई, ये सब चतरा वाला है, सुखलाल सिंह, सुखलाल सिंह और एक केवी सहाय, केवी सहाय जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, हजारीबाग जेल में 9 अगस्त को गिरफ्तार हुआ है और 9 नवंबर, सेम ट्रिक से देखिए, 9 नवंबर 1942 को ये छः, ठीक है, ये छः फरार हो गए हजारीबाग जेल से। ठीक है, और ये जेल से भागने का जो मास्टर प्लान बनाया था, तो इस मास्टर प्लान में ये तीनों भी शामिल था, ये सब शामिल था, लेकिन इन लोग नहीं भागा था। ठीक है, तो राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, के बी सहाय को अब हजारीबाग जेल से शिफ्ट करके भागलपुर जेल भेज दिया गया, भागलपुर, बोलेगा वो लोग तो भागा, अब इन लोग भी भाग जाएगा, तो उसको भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 9 नवंबर 1942 को भागा था, अब मास्टर प्लान के बी सहाय इन लोग सब ने मिल के ही बनाया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बड़ी घटना हुई थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या आज़ादी के बाद इसका क्या पोजीशन रहा। ठीक है, देखिए ये झारखंड का, बिहार का तीसरा सीएम था, बिहार का थर्ड सीएम था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इस देखिए, पहला सीएम था श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह जो इसका गुरु था, श्री कृष्ण सिंह, दूसरा था दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, तीसरा था अपना, ये पूरी तरह से झारखंडी ही था, विनोदानंद झा, ये देवघर का था दोस्त, और पूर्णतः झारखंडी मतलब जन्मभूमि भी झारखंड, देवघर, कर्मभूमि भी झारखंड, और इलेक्शन भी ये राजमहल से जीता था, राजमहल से जीत के सीएम बना था। ठीक है, विनोदानंद झा। उसके बाद जो आया है इस, वो के बी सहाय, चौथा के बी सहाय, देखिए इसका जन्म हुआ है बिहार में, मगर ये कर्मभूमि है, पूर्णतः झारखंडी इसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी 1932 का खतियान अगर लगा दोगे तो पूर्णतः झारखंडी है, क्योंकि 1932 के पहले ही कर आ गया था ये। ठीक है, तो अब ये झारखंडी ही माना जाएगा, के बी सहाय ये चौथा था। ठीक है, के बी सहाय का चुनाव क्षेत्र कहाँ हुआ करता था, कहाँ से एमएलए बनता था, दैट इज इन गिरिडीह से। ठीक है, जब आज़ाद हुआ था तो गिरिडीह से ही एमएलए बना था। आपको कभी कोई अगर गिरिडीह का बंदा होगा तो उसको पूरी तरह से याद होगा कि गिरिडीह से अगर मधुपुर की तरफ लोग मेमू ट्रेन में जाएंगे, एक्सप्रेस में जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, मेमू ट्रेन में जाइए तो पहला मेमू ठहराव मिलेगा कहाँ, महेश मुंडा, दूसरा मिलेगा उसका नाम ही है, उस हॉल्ट का नाम ही है कृष्ण वल्लभ सहाय हॉल्ट। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि भाई के बी सहाय जो एमएलए बना था कहाँ से, गिरिडीह से बना था। ठीक है, गिरिडीह का पहला एमएलए यही था के बी सहाय। ठीक है, जब ये ग्रीडी यहाँ से जीता था, उसके बाद श्री कृष्ण, पहला सीएम श्री कृष्ण सिंह बना बिहार का, तो इसको एक मंत्री पद दिया था, रेवेन्यू मिनिस्टर। ठीक है,
ठीक है, वित्त मंत्री का मिनिस्टर, तो बिहार का पहला वित्त रेवेन्यू मिनिस्टर अगर आपसे पूछेगा दैट इज कृष्ण बल्लभ सहाय। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या योगदान है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने की जो समिति बनी थी ना दोस्तों, तो उसमें झारखंडी, अभी तक हम लोग को तीन आदमी का नाम पता चला था कि जो 298 के करीब सदस्य थे, झारखंड निर्माण जब हो रहा था मेंबर जो थे उसमें से एक आपको पहले बता दिया हूँ जयपाल मुंडा थे, दूसरा बता दिया हूँ राम नारायण सिंह, तीसरा के बी सहाय भी थे उसमें। पहले मुझे यही पता था कि सिर्फ जयपाल मुंडा ही थे, पढ़ते पढ़ते पता चला नहीं भाई राम नारायण सिंह भी थे, और फिर पढ़ते पढ़ते पता चला के बी सहाय भी थे, इसलिए मुझे अभी तक तीन पता चला है और आपको ये तीन याद रखना पड़ेगा, और मुझे पता चलेगा तो बताऊंगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कब था, 1946 में अपना काम पूरा कब किया, 1950 में, तो इसका कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही होगा। क्लियर, अब देखिए इसका क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, बिहार में जो उस समय के बिहार में जमींदारी सिस्टम, ये तो अभी स्वामी सहजानंद के जो किसान आंदोलन चलाया था उसका ये मेंबर था, तो किसान आंदोलन क्या कब होता है, हमेशा जमींदारी प्रथा के विरुद्ध होता है, तो जमींदारी प्रथा उन्मूलन में, जमींदारी प्रथा उन्मूलन में इसका पूर्णतः योगदान था। ठीक है, तो जमींदारी, अब झारखंड में भी बिहार की में भी जो जमींदारी से खुद जमींदारों घर से आता था, लेकिन ये खुद इसका जो सिस्टम को हटाने वाला जितने भी आदमी थे, अनुग्रह नारायण सिंह जो बड़े बड़े नेता थे, सब जमींदार घर से आते थे, लेकिन सब ने मिल के हटाया इसको। जमींदारी प्रथा उन्मूलन तो बिहार में भी होगा, तो इस 1952 इसी जमींदारी प्रथा उन्मूलन जो कानून इसने पास करवाया, क्योंकि ये भी MLA था बिहार में जो पास कराया, उसी चक्र जो रामगढ़ राज्य के राजाओं के ख़त्म कर दिया गया। रामगढ़ राज्य पहले यहाँ क्या होते थे, राजा होते थे, जब अंग्रेज आ गए थे ही राजा जमींदार बन गए, भाई तू राजा नहीं रहेगा तो हमारा एजेंट रहेगा जमींदार, तो यही जमींदार। अभी लास्ट रामगढ़ राज्य का लास्ट राजा कौन था, या उस समय सिंह नाम का राजा था, काम का जमींदार था, वो कामाख्या नारायण सिंह, मैं बता चुका हूँ, आखिरी राजा रामगढ़ राज्य का कामाख्या नारायण सिंह। तो जब ये जमींदारी एक्ट पास हो गया तो उसमें सारे जमींदारों को ख़त्म कर दिया गया, तो कामाख्या नारायण सिंह अब से राजा नहीं बनेगा। इसको बहुत बुरा लगा, भाई ये सहाय क्या फुदुक कर रहा है, मेरा सारे राजपाट ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए कामाख्या 1952 में गिरिडीह से जीता था केवी सहाय, फिर 1957 में चुनाव होगा 5 साल बाद, तो कामाख्या नारायण सिंह गिरिडीह से खड़ा हो गया। ठीक है, एक केवी सहाय भी खड़ा हुआ और फिर कामाख्या नारायण सिंह भी खड़ा हुआ, तो यहाँ पे केवी सहाय हार गया था और ये कामाख्या नारायण सिंह ने अपना बदला पूरा कर लिया। ठीक है, कामाख्या नारायण सिंह पहला ऐसा राजनेता है जिसने चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का यूज किया है पूरे इंडिया में, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पुनः फिर से वो गिरिडीह से जीतता है, ऐसा नहीं है कि वो ये होगा, केवी सहाय फिर से दोबारा जब इलेक्शन होता है जीतता है, उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर बनता है इंडिया का, फोर्थ सीएम बनता है। ठीक है, फोर्थ सीएम ये कब से कब तक रहता है, 1963 से 1967 तक। ठीक है, 1963 से 1967 तक, तो जब फोर्थ सीएम रहता है, इस दौरान उसमें वो झारखंड में क्या क्या विकास करवाता है दोस्तों, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए, इसके जब ये चीफ मिनिस्टर काल था, यहाँ हजारीबाग वुमेन्स कॉलेज बनाया। आप हजारीबाग जाएंगे तो आपको एक वुमेन कॉलेज मिलेगा जिसका नाम है के बी सहाय वुमेन कॉलेज। ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय महिला महाविद्यालय। और क्या योगदान है इसका,
इसी के समय में BSL बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ। बोकारो स्टील प्लांट कितने बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया का, मतलब इसके अथक प्रयास रहा तो BSL बनवाने में इसका योगदान रहा। प्लस अभी जो HEC देखते हैं, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो हटिया में है, इसी के कार्यकाल के दौरान बनाया गया, इसका बहुत योगदान है इसमें। ठीक है, तिलैया में जो आपने सुना सैनिक स्कूल तिलैया, इसको भी बनाने में इसका अहम योगदान था। और इसी के सीएम के टेन्योर में ही ये बना है। अब बोरोनी रिफाइनरी सुने होंगे, बोरोनी में एक रिफाइनरी है, बोरोनी रिफाइनरी बिहार में है, ये भी बनवाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है क्या, इसको अवार्ड मिला था एक दोस्तों, ठीक है, अवार्ड इसको इंग्लिश से ये पढ़ाई किया था, इंग्लिश बहुत अच्छा था इसका, इसलिए इंग्लिश लिटरेचर के नाम पे इसका एक अवार्ड मिला था, सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट्स गोल्ड मेडल मिला था इसका, ये इंग्लिश लिटरेचर पे मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन ये है कि देखिए, मूवमेंट के दौरान जब आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था, उस समय इसने एक पत्रिका का फॉर्मेशन किया था, एक पत्रिका निकालता था, उसका संपादन करता था, जो आज़ादी के आंदोलन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उसका योगदान था। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पत्रिका का नाम था छोटा नागपुर संदेश, ठीक है, हिंदी में आता था और ये साप्ताहिक पेपर होता था दोस्तों, साप्ताहिक। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसकी जो डेथ हुई थी 1967 में इसकी डेथ हुई थी दोस्तों, तो ये कार एक्सीडेंट करवाया गया था। ठीक है, कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हुई थी। एम्बेसडर कार हुआ करता था उस समय ट्रक से कुचल दिया गया था, कहाँ, हजारीबाग में। ठीक है, वो JP मूवमेंट भी उस समय शुरू हो गया था, उस JP मूवमेंट के दौरान ही 1974 में इसकी 1967 में इनकी जो डेथ हुई थी, कब हुई थी, 1974 में JP मूवमेंट इस समय चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। धन्यवाद आप लोगों का, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कुछ दूसरे महापुरुष के ऊपर।